मध्य प्रदेश में शराब माफिया सोम डिक्शनरी की जिस तरीके के काले कारोबार चल रहे हैं उसको लेकर पंजाब केसरी लगातार खबरें दिखा रहा है। और इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि शनिवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जब सोम डिक्शनरी के रायसेन स्थित प्लांट पर छापा मारा तो वहां पर 58 नाबालिग बच्चे शराब बनाते हुए पकड़े गए। हमारे साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियम कानूनगे जी मौजूद है, उनसे बात करें। सर, कैसे पूरा खुलासा हुआ, कैसे आपने छापा? देखिए, हमको बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, उसने शिकायत की थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन में सोम डिस्टिलरी एक शराब कारखाना है जो नाबालिग बच्चों से शराब बनवाने का काम करता है। हमने कल उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमको वहां पे 58 बालक और किशोर मिले, 20 लड़कियां थी। और हमने उसके बाद रेस्क्यू की कार्रवाई संपादित करके कलेक्टर को बताया। कलेक्टर ने, इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं रेस्क्यू के तत्काल बाद, वो बॉन्डेड लेबर हैं या नहीं ये तय करना होता है, और उनका रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन तय करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, और बॉन्डेड लेबर हैं या नहीं ये असर्टेन करने के लिए SDM होते हैं। तो कलेक्टर ने बड़ी सहर्दता से बताया हमको कि उन्होंने दोनों अथॉरिटीज को निर्देशित कर दिया है, दोनों अथॉरिटीज वहां आ रही हैं। 3:28 पे हमने पुलिस को सारी चीजें हैंड ओवर की। लेबर डिपार्टमेंट आ गया था, लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, और CWC के चेयरपर्सन आ गए थे, परंतु उनका कोरम पूरा नहीं हुआ था। फिर हम लोग वहां से, हमारा काम यही होता है, हम वहां से आ गए थे। हमको बाद में पता चला कि SDM वहां पहुंचा ही नहीं, और SDM के पहुंचने के पहले वहां पे बड़ी अफरातफरी की गई और सारे बच्चों को वहां से गायब कर दिया गया। अब ये बच्चे गायब किसने किए, किडनैप किए, एबडक्ट किए, क्या किए, इसके बारे में पुलिस से जब हमने पूछा तो पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हमने ये पूछा कि भाई, जब ये बच्चे पुलिस के सामने थे, पुलिस की निगरानी में थे, और हमने उनको पुलिस के प्रोटेक्शन में छोड़ा था, आपको लिख के दिया था, उसके बाद ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? रात 12:30 बजे तक हम खोजने की कोशिश करते रहे, पर बच्चे हमको नहीं मिले, और पुलिस भी बच्चों का रात में पता नहीं बता सके। अभी भी हमको नहीं पता बच्चे कहाँ हैं, ना CWC का कोरम पूरा हुआ। ADM वहाँ 7 घंटे बाद पहुंची है। तो ये अधिकारियों की जो अकर्मण्यता है वो इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित अधिकारियों को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। वहां हमने देखा कि जिला आबकारी अधिकारी का एक कार्यालय है, एक अतुलकर नाम का जिला अधिकारी वहां बैठा करता था, और उस अतुलकर ने हमारे 3:28 पे निकलने के बाद 4 बजे शाम को कलेक्टर को एक प्रपत्र दिया, और उसमें उसने लिखा कि राष्ट्रीय बाल आयोग कुछ बच्चों से बात कर रहा था और बच्चे माँ बाप को टिफिन देने आए थे। हम बच्चों से, हमने जिनसे बात की है उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं, उनके हाथों की चमड़ी गल गई है, पूरा बचपन शराब में झुलस गया है, और इतने निष्ठुर लोगों को तो सेवा में रहने का अधिकार ही नहीं है जो एक फैक्ट्री वाले को बचाने के लिए बच्चों का जीवन खत्म कर देना चाहते हैं। और सही बात बोलने पर बच्चों को क्या मिलेगा? फैक्ट्री वाले की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, फैक्ट्री वाला तो महंगे से महंगे वकील लगाएगा अपने लिए, लेकिन बच्चों का जीवन बदल जाएगा। बच्चे बॉन्डेड लेबर हैं क्योंकि इनके नाम इस सोम डिस्टिलरी वाले के ही स्कूल में लिखे हुए थे, वहाँ एक आश्रम बना हुआ था, बच्चों को स्कूल की बस से लेके आया जा रहा था, शायद कुछ बच्चे आश्रम में रखे हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये ट्रैफिक्ड बच्चे हैं, ये बॉन्डेड लेबर हैं, इन्हें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मुआवजा, इनको MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कंपनसेशन, इनको बैक वेजेस की राशि मिला करके मिलने वाला है। ये पैसा उनको ना मिल सके, और ये पैसा किसका जाएगा? फैक्ट्री वाले का। तो ये पैसा फैक्ट्री वाले की जेब से ना जाए, ये आर्थिक लाभ इन दलित आदिवासी बच्चों को ना हो सके, इसके लिए पूरा का पूरा तंत्र बच्चों के खिलाफ काम कर रहा है, ये शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई है आपके छापे के बाद, छोटे कर्मचारियों पर, जो आबकारी विभाग के छोटे कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्हें तो दंडित कर दिया गया, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल जो पंजाब केसरी लगातार पूछ रहा है कि जिसने अपराध किया, ना उसकी फैक्ट्री सील की गई, ना उसकी गिरफ्तारी की गई, ना ही
जो FIR हुई है उसमें इस तरीके की धाराएं हैं जिससे कि सजा मिलने की उम्मीद कहीं से नजर आए? देखिए, धाराओं की बात तो मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बच्चों का उपयोग किसी भी नशे से संबंधित गतिविधि में नहीं होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने हमको निर्देश दिया हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम में धारा 78 का प्रावधान करवाया है, उसके बावजूद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जिनको किशोर न्याय अधिनियम का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्होंने एक ऐसी FIR दर्ज की जिसमें सारे वेलेबल ऑफेंस लगाए गए। और वेलेबल ऑफेंस लगाने का मतलब ये होता है कि घर जाके जमानत दे देंगे, बाद में जब हम लोग सवाल करेंगे तो बोलेंगे कि हमने विवेचना में धाराएं बढ़ा ली। तो ये स्कैप गोट है, एक तरीका है अपराधियों को बचाने का, ये गलत है। और मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने तत्काल उस दुष्ट आबकारी अधिकारी को सस्पेंड किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ऐसा सख्त निर्णय लिया जिससे कि प्रदेश में एक नजीर बने। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये रायसेन जिला पूरे प्रदेश के बच्चों के मामा का क्षेत्र है, ये शिवराज जी का क्षेत्र है। शिवराज जी आज आने वाले हैं, मुझे ऐसा बताया गया है। मुझे पता लगता है कि, और ऐसा मानना है मेरा, कि शिवराज जी के कानों तक जब ये बात पहुंचेगी यहाँ आने के बाद, तो इन अधिकारियों को वो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो सबका हिसाब करेंगे। वो बच्चों के मामले में ना केवल संवेदनशील है, बच्चों का शोषण करने वालों के मामले में बेहद सख्त भी है। और मैं तो बचपन से उनको देखता आया हूँ। इसी फैक्ट्री के बेतवा में प्रदूषण के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। वो इस फैक्ट्री वाले से नहीं डरते, वो ऐसे सब तमाम पापियों को ठीक करने के लिए जो है एक शपथ लिए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद फैक्ट्री भी सील होगी, उनके आने के बाद ये बच्चे भी ढूंढ के लाए जाएंगे, बच्चों को मुआवजा भी मिलेगा और फैक्ट्री का मालिक जेल भी जाएगा और ये अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का दंड झेलेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे आपको मिले थे जिस हालत में और जो उनकी हालत थी, जिस तरीके से वो गायब हुए संदिग्ध परिस्थितियों में, आपको लगता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला भी इसमें निकल कर आएगा सामने? मैंने अपना जो आवेदन पुलिस को दिया था उसमें धारा 370 IPC का उल्लंघन लिख के दिया था। ट्रैफिकिंग है, ये ट्रैफिकिंग दूसरे राज्यों से भी बच्चे बुलाए, यहाँ से लाए गए होंगे, ये इंक्वायरी का विषय है और वो इंक्वायरी अब कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे गायब कर दिए गए। मुझे पता है कि इसके बाद ये लीपापोती करने के लिए किन्हीं और बच्चों को लाके प्रस्तुत करके कागज बनाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि इस सारे मामले पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी निगाह बनाए हुए हैं और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो इनकी कोई भी झूठ के जो दावे हैं वो चलने वाले हैं नहीं। सोम डिस्लरी के खिलाफ जिस तरीके से हम लगातार जांच कर रहे हैं उसमें कई ऐसे खुलासे सामने आए, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम उड़ीसा, इन राज्यों में पूरा साम्राज्य सोम का फैला हुआ है। तो ये भी आशंका आपको लगती है कि इन राज्यों से जो गरीब प्रदेश हैं यहाँ पर पूरा एक संगठित अपराध, किडनैपिंग करके बच्चों को लाना या खरीद फरोख करके लाना, इस तरीके की घटनाएं भी होती है? प्राथमिक रूप से मैं ये कहूंगा ये सब इंक्वायरी का विषय है, लेकिन इंक्वायरी करने में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन्वॉल्व होगी उसकी सुरक्षा मेरे लिए चिंता का विषय है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया जाना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग पुलिस के संरक्षण में से बच्चों को किडनैप करके ले जा सकते हैं वो बेचारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको सुरक्षा दिलवाना हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, सरकार कह रही है कि लगातार कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने देखा इससे भी कई बड़े गंभीर मामले सोम पर पहले भी होते रहे हैं लेकिन सजा किसी में नहीं हुई। ये जो संचालक हैं इस पूरे ग्रुप के, ये लगातार कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करके बच जाते हैं, इस बार लगता है इस मामले में जो मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन अधिकारियों ने किया है उस विषय को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही अब सब कुछ हुआ जी। एक और जो बड़ी चिंता हम लगातार जता रहे हैं, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि मामा के क्षेत्र में जो लाडली बच्चियां हैं, लाडली लक्ष्मियां हैं, वो शराब बनाने के लिए मजबूर हैं। आपने ये भी बताया कि जब आप लोगों ने छापा मारा तो कई बच्चे नशे में भी वहां पर मिले। दूसरी तरफ सरकार लगातार देश भर में ब्रांडिंग कर रही है लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तो क्या बच्चियों को न्याय मिल पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज जी के कानों तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो अपने भांजियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जाने से चूकने वाले हैं नहीं और वो न्याय दिलवाएंगे।
लेकिन निगरानी करने की जरूरत लगातार है, क्योंकि सबको ये जानकारी है कि प्रशासनिक स्तर पर सरकार कहीं ना कहीं सोम डिक्शनरी और इनके जैसी जो बड़ी मछलियां वही चला रहे हैं। निगरानी करने के लिए आयोग है, आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रहा है। तो साफ तौर पर हमारे साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो थे, उन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरे जो खुलासा हुआ है, उन्होंने जब छापेमार कार्रवाई की किस हालत में बच्चे थे, किस दयनीय स्थिति में थे, और उसके बाद किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले को दबाने की, खत्म करने की कोशिश की गई। हालांकि उनका कहना है लगातार वो इस पर काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो वो पूछ रहे हैं कि मामा के क्षेत्र में लाडली लक्ष्मियां शराब बनाने का काम कर रही हैं, तो आखिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां जा रही है। उम्मीद है कि इस मामले में बच्चियों को खासतौर पर न्याय मिलेगा, और इसके लिए प्रियंका कानूनगो, बाल संरक्षण आयोग और तमाम लोग लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन उवेश के साथ विनीत पाठक, पंजाब केसरी, भोपाल।